कोर्ट ने गुरुवार को दो उम्मीदवारों के लिए नीट दोबारा कराने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद नीट के नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। इनमें 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। एनटीए ने यह कहते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण परिणामों में देरी हो रही है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम 16 लाख छात्रों के परिणाम को रोक नहीं सकते। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि हम तय करेंगे कि दिवाली की छुट्टी के बाद दोनों छात्रों का क्या होगा। इस बीच इस नोटिस को जारी करते हैं और एक काउंटर को दाखिल करते हैं। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो भी भ्रम है उसे ठीक किया जाएगा। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप अपने मुवक्किलों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन लाखों छात्रों पर विचार नहीं कर रहे जो परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने याचिका में एनटीए ने सोलापुर के दो उम्मीदवारों के लिए फिर से नीट आयोजित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पर उनकी टेस्ट बुकलेट और ओएमआर सीट मिश्रित हो गई थी। एनटीए ने शीर्ष अदालत में दलील दी थी कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण 16 लाख से अधिक छात्रों के परिणाम घोषित करने में देरी हो रही है। हाईकोर्ट ने एनटीए को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए दो याचिकाकर्ताओं के नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने और हफ्तों के भीतर परिणाम घोषित करने का फैसला दिया था।